ये तो हाइट भी इतनी ज्यादा है कि यार ये जगह छोड़नी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं जस्ट चिखली में पहुंचा हूँ। चिखली में यानी कि उस जगह के पास से उठा दिया ना यार कंडक्टर ने। मैंने पूछा भाई कि यार आ गया क्या, तो वो बोले हाँ आ गया, और मैं वहीं पे उतर गया। और मुझे अभी 500 मीटर और आगे जाना है, और उसके बाद बताऊँगा कि कहाँ पर जाना है। और तो यार चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, और मैं चिखली में हूँ अभी भी, मुझे जाना है। अरे तो मैं आज जा रहा हूँ धर्मपुर, तो चलिए चलते हैं। हाँ दोस्तों, आ गया फाइनली चिखली स्टेशन के पास, यानी कि तो मुझे यहाँ पे उठाना था, और उन भाई साहब ने मुझे वहाँ पे 500 मीटर दूर ही उतार दिया। मतलब कि फिर चलते चलते आना पड़ा। तो अभी धर्मपुर की बस आएगी, तो उसको पकड़ सीधा धर्मपुर में जाऊँगा उस डायनासोर की हड्डी को देखने के लिए, क्योंकि स्पेशली मैं उसी को देखने के लिए जा रहा हूँ। चलो धर्मपुर की आ गई है बस, अभी उसमें ट्रैवल करेंगे हम लोग। तो इन भाई साहब की मदद लेके ये भी धर्मपुर जा रहे हैं। म्यूजियम बंद है क्या? अरे यार दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज ना म्यूजियम बंद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग साइंस, उसको क्या बोलते हैं, साइंस सेंटर, साइंस सेंटर देखने के लिए आए हैं। और ये हमारे फ्रेंड है जो हमें बस में मिले, तो यहाँ से टिकट ले ले रहे हैं हम लोग। वैसे साइंस की टिकट बात करें, चलो हमने टिकट ले लिए। तो दोस्तों, मैं ना स्पेशली म्यूज़ियम देखने के लिए आया था, और म्यूज़ियम तो बंद है, लेकिन साइंस, उसका क्या बोले, साइंस सेंटर, साइंस सेंटर ही देख के चल रहे हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं ये, दोस्तों आज ना म्यूज़ियम बंद है। मतलब कि उनका जो टाइम होता है ना, क्राइटेरिया फिर टाइम, वो सब खत्म हो गया, जिसके बदौलत बंद हो गया। अभी 3 बजे के बाद शुरू होगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, तो जाने में 1-2 घंटे चले जाएंगे हमारे। तो हमें इन भाई साहब ने बहुत मदद की, इनके लिए मैं एक थैंक यू बोला जाऊँ, थैंक यू भाई। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं विज्ञान के अंदर, साइंस नाम ही भूल जा रहा हूँ, साइंस सेंटर, साइंस सेंटर। तो शूटिंग की परमिशन होगी? एक बात बता दूँ, आप आए ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे को ये सब पता भी नहीं चलता। तो देख लो दोस्तों, ये साइंस सेंटर, और अभी हम लोग इसके अंदर घूम रहे हैं। तो हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि इसमें क्या क्या होगा। जितनी आती है उतनी बोलने की ट्राई कीजिए, क्योंकि हिंदी की ऑडियंस है हमारी। चलो गुजराती में बोल दो, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हमारा का हिमालय के विज्ञान में का वीडियो है बोला से कि हमारा अपना शरीर में कहीं भी हो ना, ये बदू से है। दोस्तों ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे विज्ञान का चीज़ें दिखाई जाती है, विज्ञान की, हमारे शरीर के अंग दिखाए जाते हैं कि कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ है, चलिए देख लीजिए। तो ये क्या है? केबीसी। और केबीसी यानी कि चालू नहीं है, अभी बंद है, बंद है, बताए बिगाड़ दिया है। हाँ, इसको बिगाड़ दिया है ऐसी बात है। दोस्तों मैं जीवन में पहली बार आया हूँ इस धर्मपुर के साइंस स्टेडियम में, स्टेडियम सिटी, सिटी साइंस सिटी में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लाल चंदन है ना, ये देखो लाल चंदन, यहाँ पे पाया जाता है क्या? हमारे यहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। मतलब कि दोस्तों हमारे यहाँ भी लाल चंदन पाए जाते हैं, लेकिन गांव में, देख लो। और ये आदिवासी संस्कृति के ये कुछ नमूने हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं ये सब कुछ। और ये ह्यूमन आर्टिलो, इस हड्डी को क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इंसान की हड्डियाँ, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आती इंग्लिश। और ये क्या है, ये वजन, वजन मैं माफ हो गया अपना। मतलब कि यार 75 kg मैंने कल मापा था ना, तो 74 kg था मेरा। तो दोस्तों मैंने कल जो अपना वजन वहाँ पे मापा था तो 74 kg था। तो मेरे शूज, ये कपड़े और ये सब के होते हुए 1 kg बढ़ गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। स्कूल है बनाया है बता। और ये कुछ स्कूल के द्वारा बनाया गया है। स्कूल में सब आवाज़ नहीं खबर, इसको ज़्यादा तो नहीं पता हमको। हाँ बता रहे, नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ मित्र, मेरी जब तबीयत खुश हो गई है दोस्तों, शरीर थोड़ा खुश हो गया, मतलब कि बस में ट्रैवल करके आया था ना तो थक गया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इन भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू, वेलकम वेलकम। और यहाँ पे अभी अगर कुछ लड़के आए तो मेरी आवाज़ हिचकिचाने लगेगी अभी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अंदर चलते हैं। આમ કઈ બી બનાવી શકીએ આપણે, આપણું નામ બી લખાઈ શકે। ચલો મેં મેરા નામ લખ્યું, આમ પેલું પાણીમાં પેલું થાય ને તે છે, બંધ કરતી તો દોસ્તો ઇસમેં ના યહાં સે બટન પ્રેસ કરને સે પાણી મેં કુછ હોતા હે, લેકિન યહાં પે અભી યે બિગડ ચુકી હે મશીન। और ये तो मुझे मालूम है चुंबक आ रहा है, इसको तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की काम ही नहीं। दोस्तों एक बात बता दूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी एक और चीज़ है यहाँ पे निकाल दो, ये देखो यहाँ पे बटन प्रेस करने का, ये जो बल्ब होता है वो ओपन हो जाता है या फिर ऑन हो जाता है। तो ये क्या है, इसको बस हम प्रेस कर दूँगा, यहाँ पे कील है, कील। एक बार एक्सपीरियंस लेता हूँ, चलो देख देखो क्या होता है। नहीं यार उतना तो ज़्यादा हो नहीं रहा है, पैंट पे रिपोर्ट सब पे है ना, इसके बटोतर कुछ नहीं हो रहा है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अभी दोस्तों बहुत कुछ दिखाना बाकी है, सही है ना। तो दोस्तों अभी कुछ और दिखा रहे हैं अच्छा सा, ये क्या, ये पता नहीं क्या है, सॉफ्ट नहीं लगे ना। हाँ ये 3D एनिमेशन वाला कुछ होगा, 3D। ये देखो यहाँ पे, अभी एक बात बताऊँ ना, अभी तो कोई लड़के भी सामने होती है ना, तो फिर भी मेरे को इतनी हिचकिचाहट नहीं होती है व्लॉगिंग करने में, क्योंकि आदत जैसी हो गई है ना। तो दोस्तों बाल बाल ठीक कर लेते हैं यहाँ से, ये इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होता है क्या, इसमें हम कुछ इमोजेस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये देखो, चलो ये दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये प्रदूषण है। हाँ बटन प्रेस करने से ये, यानी कि ये जो कांच है या फिर ये दर्पण या कुछ भी बोलो, यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, ऐसा है ना। और ये मूर्ति, मूर्ति है। चलो फिर आगे, इसमें कुछ अलग कैसे दिख रहा है यार, मतलब कि ये बाहर निकला हुआ है, ये अंदर निकला हुआ है, ये अलग मेरे को नोटिस हुआ। और इसको जैसे भी मैं देखते जा रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका मुंह बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये हो रहे हैं साइंस के नमूने। और ये कुछ कांच, कांच या फिर, और ये क्या है, हाँ इससे ना मैं इसके अंदर देखूंगा तो मेरी आंखें वो हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आँखें घूम रही है, घूम रही है।
और इसमें क्या हो रहा है? ओहो लाइटिंग में पड़ो टेक बनाना वो देखते हैं हमें करंट लगे पर करंट चालू नहीं मालूम अच्छा तो दोस्तों ये सर तो दोस्तों मुझे इसमें से एटीएम बहुत क्या के देखता हूँ आ जाता है तो ठीक है नहीं तो कुछ खुलवा दीजिए ला दिया ये टीम में ला रहा था इधर उधर तक ला दिया मैंने चलो आगे बढ़ते हैं अभी ये पारो पारो पहला ऐसे मारो पारो से पहलो आवे थे जो कुछ जीवन चल रहा है इसमें मैं जाऊँगा नहीं है हाँ बैग को क्या बैग नहीं है बंद के दिन इधर रख देता हूँ नहीं है तो जाएंगे तो दोस्तों मैं ना इधर से जाऊँगा और ये कहना नहीं भाई हमारे भाई बाहर से दिखाएंगे तो देखिए ये तो हाइट इतनी ज़्यादा है कि यार ये डिलीट होनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कैसे हो आप लोग आए हो कि अच्छे हो ये खाल हो गया मुझे कहना क्या पहला वाले गोल्डन पीस ये क्या है आगे काचा और पहले खुदा काचा हाँ, वो काचा वाला मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना एक बार प्रवास गया था हमारे स्कूल से तो वहाँ पर सर लोगों ने दिखाया था आज तो मैं उसको देख के जाऊँगा तो दोस्तों आज बहुत मज़ा आएगा। अच्छा है कि भाई हमारे साथ है जिसके बदौलत मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ वरना मुझे ना हिचकिचाहट होती या फिर कुछ अलग अलग हो जा रहा आज तो यार लड़कियों के सामने भी मुझे इतना कुछ शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है पता नहीं क्यों मेरे साथ ये भाई है ना इसीलिए तो थैंक यू। इसको मैं अभी अंदर रख दे रहा हूँ सेंडा काटे हैं जहाँ पर यार तू निकाल दे काचौड़े से नेटले चलो यहीं पे निकाल दे हाँ यहीं पे अरे भाई क्या क्या लग रहा है मुझे स्वर्ग अभी क्या बोले इससे जाना है तो दोस्तों आप लोग ऊपर देखिए और ये देख लीजिए मतलब कि कितना अलग भाई चलो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अभी ना मैं यहाँ वहाँ टकरा जाऊँगा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम देख लीजिए रास्ता खराब है हाँ इधर है चलो चलते हैं देखते रहो क्या हो रहा है अरे भाई साहब ले सुन कर तो दोस्तों मुझे रास्ता नहीं मालूम हो रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ अब बाहर निकल जाए आपको भाई साहब ठीक है मेरे को निकाले जा दोस्तों ऐसी जगहों में सावधानी से चले अपना सर ना टकरा लीजिए नहीं तो गए समझ लेना पकड़े हैं चल जाए कई मजा नहीं चलो तो बाहर निकल गया भाई मतलब कुछ भी बोल चलो बाहर निकल गया भाई बहुत मजा आया अभी क्या है इसके काचे जो है अलग अलग पकड़ना काच એટલે આપણું મોડું એવું બારા પહેલું દેખાય ચલકે છે હું કઈ ડર લગ ને મેરે કો પૈસા અરે ઇસકે અંદર જાના હે ચલો ચલતે હૈ એક બાર
નાલું જ છે, બેહવાનું જ છે. પણ तो दोस्तों ऐसे हम हमारे यहाँ पे ऐसे सीट से बैठ सकते हैं या फिर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं. एक बात बता दूं, मैं पूरे 5 साल के बाद ऐसा देख रहा हूँ, 5 साल के बाद. चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू रौनक ब्लॉग, सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए चलते हैं.